हेलो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं बनाने अरुई के पत्ता का पकौड़ी। देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं, आप भी ट्राई जरूर कीजिएगा। जिसको जिसको पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है बेसन। बेसन में हमने डाल दिया है चावल का आटा और उसमें हल्दी डाल रहे हैं। अब इसमें डालेंगे नमक, अपने स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। अब इसमें डालेंगे हम अजवाइन, ये डालने से पेट खराब नहीं होगा। अब इसमें डालेंगे हींग। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने लहसुन, हरी मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, अच्छे से मिक्स करना है। देखिए बेसन रेडी हो गया है, अब चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेना है एक बड़ा सा थाली। अब पत्ते पे हमें बेसन लगाना है, बारी बारी से एक एक पत्ते में बेसन को अच्छे से लगा लेना है। ये जितना बनाने में मेहनत लगता है दोस्तों, उतना ही खाने में स्वादिष्ट होगा। देखिए पत्ते के ऊपर पत्ते लगा के बेसन लगाना है इसको। जितना साइज लेना चाहते हैं उतना साइज से बना सकते हैं। अब देखिए अब सारा पत्ते पे बेसन लग चुका है। अब इसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। हर एक पत्ते पे बेसन को चिपकाना है। फोल्ड करना स्टार्ट कर दिए हमने। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना मस्त फोल्ड हो चुका है। अब इसमें बेसन लगा के अच्छे से पूरा पत्ते को बंद कर देना है। देखिए दोस्तों कितना मस्त बनकर फोल्ड हो चुका है, कितना मस्त लोड़ी बना है। अब इसको हम काटेंगे, अब इसको गोल गोल हम काट लेंगे। देखिए कितना मस्त दिखने में लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक कढ़ाई लेना है, उसमें तेल चारों तरफ फैला देना है। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें साइड साइड से रख। देखिए कितना मस्त हम कढ़ाई में सजा दिया। अब इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। आप लोग देख सकते हैं एक साइड का हो चुका है। अब इसको पलट देंगे, बारी बारी से सबको पलट देना है। पलट के अब इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल को लगा देंगे। दोबारा प्लेट से ढक देंगे हम 2 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों बिना ज़्यादा तेल से हम नहीं बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा तेल से कितना मस्त बन के तैयार हो चुका है। अब को प्लेट में निकाल लेंगे हम। आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त पकौड़ी बनके तैयार हो चुका है। इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।